नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। बिग बॉस 17 खत्म हो चुका है और अभी शो की ट्रॉफी मुनव्वर फारूकी अपने नाम कर चुके हैं। कॉमेडियन के शो जीतते ही उनका घर या यूं कहें कि इलाके में भव्य स्वागत हुआ। लेकिन आज हम कैसे देश में जी रहे हैं जहां 6 दिन पहले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भव्य तरीके से होती है और फिर उन्हीं भगवान राम का मजाक बनाने वाले कॉमेडियन देश के आइडल बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ मुनव्वर फारूकी को हीरो बताया जा रहा है, लेकिन समय के साथ ही सही लेकिन अब उनका काला सच सामने आ रहा है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉमेडियन को खरी खोटी सुनाई जा रही है। ये बात तो सभी जानते हैं कि मुनव्वर फारूकी मुंबई के डोंगरी इलाके से आते हैं, जो कभी मुंबई के खौफनाक इलाकों में से एक रहा था, जहां कभी अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल रूम हुआ करता था, जिसका रिमोट दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अबू सलीम जैसे डॉन के हाथों में रहता था। आज भी वो इलाका इस्लम इलाका है, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक तरीके से रहते हैं। मुनव्वर को जिताने के लिए भी बहुत तय तरीके से वोटिंग की, इसलिए ये कहना गलत होगा कि मुनव्वर पूरे देश का आइडल है और पूरे देश ने उन्हें वोट दिया है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बवाल मच चुका है। इसके अलावा धारवी इस्लम भी है, जहां से मुनव्वर को वोट किए गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार ने भी डोंगरी और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले मुनव्वर का काला सच दिखाया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, थी ग्रेट के हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी ने 2 अन्य हास्य कलाकारों के साथ कुछ चुटकुले बनाए। हिंदू RW ने उन्हें सूली पर चढ़ाने की कोशिश की। एक अन्य यूजर वहीं लिख रहा है, ये दिखता है कि हिंदू विरोधी प्रतीक बनने के लिए परिस्थितीय तंत्र कितना बेचैन है। एक दूसरा यूजर लिख रहा है, जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है और लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, वो आज बिग बॉस विजेता है। सोशल मीडिया पर मुनव्वर फारूकी के बिग बॉस जीतने का विरोध लगातार किया जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।